ध्यान और चिंतन करते थे जिसके कारण उन सब बीमारियों से वो दूर रहते थे। लेकिन आज हम जैसे जैसे भौतिक समाज में बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम इन सब चीजों से ज्यादा घिरते जा रहे हैं। तो इन सब चीजों को दूर करने के लिए हमारा एक ही रास्ता है कि हम योग को जानें, योग को योग की क्रिया करें, जिसके द्वारा इन सब बीमारियों से हम लोग दूर रहें। और ये बड़ी खुशी की बात है कि अभी हमें बता रहे थे कि लगभग 850 के करीब जो है पार्टिसिपेंट ने यहाँ पे हिस्सा ले लिया और आगे और भी इसमें हिस्सा लेंगे। तो मैं अपने सभी अपने टूरिज्म डिपार्टमेंट के सभी अधिकारी कर्मचारियों के, हमारे गढ़वाल मंडल विकास निगम के सभी अधिकारी कर्मचारियों के, जिनके अथक प्रयास से, और हमारे मुनि विशुद्धानंद जी हैं जो इस समय मैं यहाँ पे देख ले रही हूँ, शायद वो भी कार में लगे हुए हैं, उन्होंने हमें बहुत जो है सहयोग दिया, समर्थन दिया। आदरणीय भंडारी जी हैं, उन्होंने बहुत सहयोग दिया। तो इन सब के जो प्रयासों का ये नतीजा हुआ कि आप देखेंगे पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष आपको और अच्छी सुविधाएं और अच्छे आपको कार्ड देखने को मिलेंगे। ये जो आप स्टेज यहाँ बैठे हैं ये अभी नया बनाया गया, इसमें अभी बहुत और काम है वो हम करने वाले हैं। इसमें अभी एक लाइट एंड साउंड का जो जगह बनी है वो नया बना है। तो ऐसे और भी हम कार्य कर रहे हैं। और पिछले वर्ष जब माननीय मुख्यमंत्री जी थे, पूर्व मुख्यमंत्री हमारे विजय भोगड़ा जी, तो उस समय हमने अपने भाषण में कहा था कि योग को हम एक शिक्षा के उसमें एक सब्जेक्ट के रूप में डालें। तो हमें बड़ी खुशी कि उन्होंने उस बात का मान रखा और हमारे अब पाठ्यक्रमों में भी एक योग की शिक्षा के ऊपर एक शिक्षा विभाग के द्वारा भी उसको रखा जाएगा, इसको हम लोग कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जब योग की शिक्षा का योग में पाठ्यक्रम में रहेगा तो उसको पढ़ाने के लिए योगाचार्यों की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो उसके लिए भी हमारी सरकार प्रयासरत है कि योगाचार्य को भी इसमें जो है इसमें भागीदारी करने को मिलेगी, जिससे बहुत से जो हमारे बच्चे हैं जो योग शिक्षा उन्होंने योगाचार्य बने हुए हैं, तो उनको भी इसमें जो है एक अपने वो जीविका का एक उनको भी एक साधन जो है उपलब्ध होगा। जिस प्रकार से भंडारी जी ने बताया उस तरह से हम लोग भी चाहते हैं कि ये जो है योग फेस्टिवल है पूरे उत्तराखंड में इसका विस्तार हो। इस वर्ष हम लोगों ने जब अपने टूरिज्म सेक्रेटरी है पवार जी हैं उनसे हम लोग बात कर रहे थे, एक बार ये भी बात आई थी कि हम लोग एक जो है टीवी में भी इसको करें, लेकिन हम लोगों का प्रयास रहेगा कि अगले वर्ष हम लोग इसमें और जगह जगह चाहे देवप्रयाग हो टीरी हो इसको और फैलाएंगे, कुमाऊं में फैलाएंगे। भंडारी जी तो कर ही रहे हैं कुमाऊं की तरफ, उसको हम और आगे प्रयास करेंगे। विलेज टूरिज्म हमारे एक और है कि हम विलेज टूरिज्म को डेवलप करें, और जिसके लिए हम लोग भंडारी जी के गाँव भी रानी खेत में गए थे कि किस तरह से सुंदर उन्होंने अपने गाँव को जो है बना के रखा हुआ है। तो आज जो टूरिस्ट आता है फॉरेन से लोग जो आते हैं वो कहते हैं हम 5-स्टार होटल्स में तो हम रहते रहते हैं, रिजॉर्ट्स में हम रहते रहते हैं, लेकिन हम अपनी जिंदगी में एक्चुअल क्या गांव की लाइफस्टाइल है, क्या गांव कैसे खान पान है, क्या उनके वाद्य यंत्र हैं, क्या उनकी पोशाकें हैं, कैसा उनका भोजन होता है, वो सब देखना चाहते हैं। तो हमारी सरकार जो है विलेज टूरिज्म को डेवलप कर रही है कि जिसके पास, क्योंकि गांव में सबकी जमीन होती है और अपने गांव के मकान के साथ ही वो 2 कमरा या 3 कमरे के बेडरूम अटैच विद बाथरूम जो बनाएं, और जिससे कि लोग वहां पे ठहरें। और जैसे धान का समय होता है, धान की खेती जब लगती है तो बताएं कि कैसे धान लगाया जाता है, या धान की कटाई का समय है तो दिखाएं कैसे धान की कटाई होती है, कैसे गेहूं को काटा जाता है, कैसे जो है कितने लोगों को, तो आजकल के बच्चों को तो यही नहीं पता है कि चावल पहले धान होता है, धान को जब हम कूटते हैं तब चावल निकलता है, ये बातें नहीं जानते। तो ये सब बातें वो लोग देखेंगे, यहाँ के उत्तराखंड के वाद्य यंत्र कैसे हैं, उत्तराखंड की पोशाक कैसी है, उत्तराखंड का व्यंजन क्या है, वो सारे उनको एक गांव में देखने को मिलेगा। तो इससे टूरिज्म को बहुत अधिक जो है बढ़ावा भी मिलेगा। और ऋषिकेश में जो हमारा टूरिज्म का रेस्ट हाउस है वो भी मैं मस्ती की इतनी सुंदर एक जगह में है कि ऐसी व्यू आपको, इतनी सुंदर जगह आपको और कहीं दिखाई नहीं देगी कि गंगा नदी के किनारे, और आप गंगा नदी का भी साथ आपका है, और गंगा नदी में के किनारे बैठ के आप जब ध्यान करेंगे तो उसका एक अलग आनंद आपको मिलेगा।
तो ऐसे ही सुंदर व्यू भी आपको, ऐसे सुंदर स्थान भी आपको जो है बहुत कम देखने को मिलेगी। तो मैं अंत में अपने सभी अधिकारियों का, कर्मचारियों का, उनका भी मैं आभार प्रकट करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि उनके अथक प्रयास से ये योग महोत्सव का शुभारंभ आज प्रारंभ हुआ है। 7 दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा और 7 दिन तक आपको संस्कृति विभाग के द्वारा भी विभिन्न प्रकार के आप लोगों के सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखाए जाएंगे। आज भी जो है अनुराधा पोडवाल जी का यहाँ पे आपको गायन सुनने को मिलेगा, चरिसे जी की आपकी बांसुरी सुनने को मिलेगी और रोज नए नए कार्यक्रम होंगे। शाम को दीप प्रज्वलित होगा, वो भी आपको सबको देखने का मिलेगा। तो मेरा यही अनुरोध है ऋषिकेश और आसपास की जनता से कि आप लोग अपने परिवार के सहित इष्ट मित्रों के साथ यहाँ पे आए और जो एक हफ्ते का जो ये आपको एक सुनहरा स्वर्णिम अवसर मिल रहा है, उस स्वर्णिम अवसर का आप लोग जरूर लाभ उठाएं, उसका आनंद उठाएं इन सबके साथ, क्योंकि मौसम भी जो है कई दिनों से उत्तराखंड में खराब चल रहा है। तो अभी तो इंद्रदेव ने कृपा कर रखी थी कि ये प्रोग्राम हुआ तो बरसा नहीं। तो मैं आप लोगों का अधिक समय नहीं लेना चाहती, पुनः आप सबका मैं बहुत बहुत उत्तराखंड देवभूमि में आने का आपका स्वागत करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ। जय भारत, जय भारत।